नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बीजेपी ने बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने गोपालगंज से कुसुम देवी को प्रत्याशी बनाया है, वहीं सोनम देवी को मोकामा से टिकट मिला है। कुसुम देवी दिवंगत विधायक सुभाष सिंह की पत्नी है, वहीं सोनम देवी बाहुबली ललन सिंह की पत्नी है। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के द्वारा सोनम देवी को टिकट दिए जाने के बाद ललन सिंह के घर पर जश्न का माहौल है। इस बीच कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर आतिशबाजी की गई, लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई भी दी। वहीं मुकेश सहनी ने कहा है कि विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटों पर वीआईपी भी अपना उम्मीदवार उतारेगा, जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका मकसद विरोधियों को हराना है। तो अब उपचुनाव को लेकर बिहार में सियासी माहौल गर्माने लगा है। बीजेपी ने अपने दोनों प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इन सब के बीच में वीआईपी भी कूद पड़ा है। वीआईपी का भी कहना है कि वो दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। इस बीच महागठबंधन की तरफ से अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। क्या ये जो दोनों सीटें खाली हुई हैं, इनमें जेडीयू और कांग्रेस और आरजेडी के बीच में किस तरह का तालमेल बैठता है, कौन अपने प्रत्याशी यहां से उतारेगा, काफी कुछ है। लेकिन इन सब के बीच में इसको दिलचस्प बना रहा है वीआईपी की तरफ से जो घोषणा हुई है, दोनों ही सीटों पर वीआईपी अपने उम्मीदवार देगा। हमारे सहयोगी प्रणव इस वक्त जुड़े हुए हैं पटना से, सीधे रुख करते हैं प्रणव का। प्रणव, उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत अब काफी दिलचस्प नजर आने वाली है। आने वाले दिनों में तरह तरह के बयान भी देखने मिलेंगे, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने आज अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वीआईपी भी बीच में कूदता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन महागठबंधन अब तक खामोश है। जी बिल्कुल, देखिए जब घोषणा हुई थी चुनाव की, भारतीय निर्वाचन आयोग ने घोषणा की थी, उस समय हलचल जो है वो देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद जो राजनीतिक हलचल है वो काफी बढ़ गई है। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है दोनों सीटों पर, और दोनों ही जगह महिला को उतारा गया है। क्योंकि मोकामा की बात करें तो वहां अनंत सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी, वो चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी यह सोच रही थी कि कोई ऐसे उम्मीदवार को हम उतारे जो वहां पर टक्कर दे सके, क्योंकि जो ललन सिंह है वो भी बाहुबली है, पूर्व विधायक अनंत सिंह भी बाहुबली थे। तो कहीं ना कहीं जो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी वो मिल सकती है, इसलिए महिला उम्मीदवार को उतारा गया है कि वो बेहतर तरीके से वहां पे फाइट कर सके। और कल भी बीजेपी की बैठक हुई थी, उसी में नाम को तय करके केंद्रीय कमेटी को भेजा गया था, और आज केंद्रीय कमेटी ने फैसला लेकर जो कह सकते हैं कि लिस्ट है उसको जारी कर दिया है, दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें अगर महागठबंधन की या फिर वीआईपी की, वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया, मुकेश सहनी, कि वीआईपी भी दोनों सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी। लेकिन आज जिस तरीके का रुख था मुकेश सहनी का, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, उससे यह स्पष्ट था कि वो बीजेपी से काफी नाराज हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए अभी भी उनके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है, वो उम्मीदवार उतारेंगे तो कहीं ना कहीं फायदा जो है वो महागठबंधन को हो सकता है। क्योंकि उनका स्पष्ट कहना था कि बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को फंसाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी गलत करती है और नीतीश कुमार को फंसाती है। बहरहाल अगर बात करें मोकामा की तो वहां पे जश्न का माहौल था। जैसे ही बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, ललन सिंह के जो समर्थक हैं, ललन सिंह के जो पत्नी के समर्थक हैं, जो तमाम उनके चाहने वाले लोग हैं, वो एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर पटाखे फोड़कर होली और दिवाली एक साथ मना रहे थे। हालांकि अभी उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, अभी लंबा समय है, चुनाव होना है, परिणाम आना है, तो कहीं ना कहीं जो कांटे की टक्कर है वो अब मोकामा में देखने को मिलेगी। हालांकि गोपालगंज की अगर बात करें तो गोपालगंज बीजेपी की सिटिंग सीट है, वहां से जो पूर्व विधायक थे जिनका निधन हो गया, सुभाष सिंह बिहार सरकार में मंत्री भी थे, उनकी जो पत्नी है वो चुनाव लड़ेंगी। अब देखना होगा कि महागठबंधन दोनों जगह पर किनको उम्मीदवार उतारता है। हालांकि जो जानकारी हमें मिल रही है कि मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का टिकट कंफर्म है, वो चुनाव लड़ेंगी, सभी चीजें हो चुकी है, औपचारिक ऐलान बाकी है। वहीं अगर बात करें गोपालगंज की तो वहां भी जदयू और राजद के बीच में बातचीत हो चुकी है। जदयू कहीं ना कहीं राजद को वहां भी मौका दे सकती है कि आप दोनों जगह चुनाव लड़े और चुनाव जीते। तो कहीं ना कहीं राजद के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि देखिए मोकामा में उनका जो गढ़ है राजद का, या फिर अनंत सिंह की बात करें, वो किसी भी पार्टी में हो या निर्दलीय लड़े, चुनाव वही जीतते हैं। तो कहीं ना कहीं राजद के लिए वहां पे थोड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन बात करें अगर गोपालगंज की तो वहां काफी मुश्किलें होगी वहां पे बीजेपी को। यहां अगर वीआईपी अपना उम्मीदवार उतारता है प्रणव, तो कैसे महागठबंधन को फायदा होता नजर आएगा? बीजेपी का वोट वो काटेगा, तो वोट तो महागठबंधन के भी कटेंगे। लेकिन जिस तरीके से बयान मुकेश सहनी ने दिया उससे यह स्पष्ट लग रहा था
खुलकर बीजेपी पर, खुलकर सुशील मोदी पर तंज कस रहे थे और नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे थे। देखिए बाहर से लोग कैंडिडेट उतार देते हैं लेकिन इंटरनल समर्थन होता है, तो हो सकता है वीआईपी में मुकेश सहनी इसी तरह का कुछ करें, क्योंकि ये चीजें स्पष्ट है कि जब तक नीतीश कुमार हैं बिहार में मुख्यमंत्री वही रहेंगे, चाहे सरकार किसी भी की भी रहती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। ये बात मुकेश सहनी भी समझ चुके हैं कि बिहार में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली, इसलिए फायदा इसी में है कि वो महागठबंधन के पक्ष में हो। हालांकि खुलकर महागठबंधन के साथ इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि राजद को छोड़कर आए थे, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपना ट्रम्प कार्ड मान रहे हैं, उनके फेवर में बातें कर रहे हैं, बीजेपी को तंज कस रहे हैं। हो सकता है उससे नीतीश कुमार उन पर थोड़ा भरोसा करे और आने वाले समय में उनको साथ ले, कहीं ना कहीं यही सोच रहे। और नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि जो तमाम विपक्षी हैं वो एकजुट हों, और अभी बीजेपी के साथ वीआईपी नहीं है तो वीआईपी भी जो है वो विपक्ष में आती है, तो 24 की जो तैयारी है उसमें नीतीश कुमार जरूर चाहेंगे कि ये चीजें हो, और उसी का फायदा कह सकते हैं कि वीआईपी पार्टी उठाना चाहती है। उम्मीदवारों की घोषणा जरूर करेंगे लेकिन आंदरूनिक रूप से कह सकते हैं कि वो समर्थन करेंगे महागठबंधन को, और जो तमाम उनके उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश ये करेंगे। लेकिन प्रणव, अगर मोकामा सीट आरजेडी के पास जा रहा है, आरजेडी वहां से अपना प्रत्याशी उतारेगा, तो फिर गोपालगंज की सीट जेडीयू क्यों छोड़ रहा है? देखिए गोपालगंज की बात करें तो वहां का जब हम इतिहास देखेंगे तो सबसे पहले बेहतर परफॉर्मेंस वहां पे कांग्रेस का रहा था, राजद का रहा था, उसके बाद बीजेपी का। यानी कि बात करें कि पिछले 3 बार 4 बार से जब भी चुनाव हुए बीजेपी का वोट बैंक जो है वो लगातार बढ़ा। सुभाष सिंह लगातार जीत रहे थे, 3 बार 4th टर्म उनका ये था, और 4 बार जब वो चुनाव जीत रहे थे वोटिंग परसेंटेज उनका बढ़ रहा था। यानी कि बीजेपी की कह सकते हैं बीजेपी का एक तरह से गढ़ बन गया था। सांसद की बात करें तो वहां से जनक राम जो थे वो भी वहां से सांसद बने थे, उसके पहले भी बीजेपी कोटे से सांसद थे, तो कहीं ना कहीं जो गोपालगंज है वो एक तरह से गढ़ बन चुका है। और फिलहाल नीतीश कुमार ये नहीं चाहते कि एक भी सीट गवाए, तो अभी जिस तरीके से वो खुलकर तेजस्वी यादव को आगे आने की बात कह रहे हैं कि अब हमें आगे नहीं जाना, आप लोग आगे बढ़े, आप आगे बढ़िए, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ऑफर कर सकते हैं कि राजद दोनों जगह पर उम्मीदवार उतारे और चुनाव जीते, क्योंकि हराना हमें बीजेपी को है। और ये बात जदयू जानती है कि मोकामा में अनंत सिंह के अलावा कोई नहीं जीत सकता और गोपालगंज में बीजेपी का गढ़ है, तो बीजेपी को हराना काफी मुश्किल होगा। अगर जदयू वहां पे उम्मीदवार उतार भी देती है तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला, तो इसलिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये चाह रहे होंगे कि राजद को हम मौका देते हैं, राजद चुनाव लड़े, अगर राजद हारती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जदयू वहां कैंडिडेट नहीं उतारेगी। फिलहाल जो प्लानिंग इसी तरह की चल रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जब राजद का अधिवेशन दिल्ली में खत्म हो जाएगा, तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो पटना पहुंचेंगे, उसके बाद महागठबंधन की एक बैठक होगी, खुद नीतीश कुमार उसमें शामिल होंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद उम्मीदवारों की घोषणा होगी। चलिए प्रणव, बने रहिए हमारे साथ। बिहार से कुछ और खबरें हैं जिस पर हम चर्चा